तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर और मेरे मामा मुझे लेने आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूं आगरा में, जो कि है एक ताज नगरी। तो यहां पर यह मेरा लास्ट स्टॉप और अब मैं जाऊंगा अपने घर। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है इस वीडियो का, अभी पूरी वीडियो तो बाकी है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को शुरुआत से, लेकिन ऐसे नहीं, स्टार्ट करेंगे थोड़े बहुत म्यूज़िक के साथ। सो लेट्स गो। सब कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अक्षय इन्फो। तो दोस्तों, बहुत ही दिनों बाद मैं अपने इस YouTube चैनल पर वीडियोस लेके आ रहा हूं। करीब एक महीने के बाद मैं अपनी वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूं इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं इस वक्त जा रहा हूं आगरा और दिल्ली घूमने के लिए। तो दोस्तों, याद रखें कि आगे के आने वाली सभी वीडियोस जो कि 7 दिनों तक आने वाली है, ये पूरी वीडियो सीरीज़ वीडियोस आगरा और दिल्ली की ट्रिप से रिलेटेड हैं। इसीलिए इन वीडियोज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप घर बैठे बैठे सिर्फ आगरा और दिल्ली का टूर कर सकते हैं और वो सब करूंगा मैं आपके लिए। तो दोस्तों, अभी मैंने अपना सामान सब पैक कर दिया है और आप देख सकते हैं मैंने अपना सामान सब पैक कर लिया है। मैं जा रहा हूं इस वक्त कराड़ रेलवे स्टेशन और वहां से मैं ट्रेन पकड़ूंगा जो कि 11:45 को है। तो मिलते हैं आपको सीधा कराड़ रेलवे स्टेशन पर। गुड बाय। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं वाटार बस स्टैंड पर और यहां पर मैं वेट करूंगा बस का, जो कि मुझे छोड़ेगी कराड़ बस स्टैंड पर। सो लेट्स वेट फॉर द कराड़ बस। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैं पहुंच चुका हूं कराड़ बस स्टैंड पर। तो फ्रेंड्स, ऐसा दिखता है कराड़ बस स्टैंड। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब मुझे ढूंढना पड़ेगा एक ऑटो रिक्शा जो कि मुझे छोड़ेगा कराड़ रेलवे स्टेशन पर। सो लेट्स गो एंड सर्च फॉर द ऑटो रिक्शा। तो ये देखिए सामने फ्रेंड्स, मुझे ऑटो रिक्शा मिल चुका है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन नाउ। नाउ लुक एट दिस फ्रेंड्स, आई एम राइट नाउ एट द कराड़ रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल फ्रेंड्स, मैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा हूँ कराड़ रेलवे स्टेशन के, और मुझे यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा और मुझे वो पोजिशन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर मेरा बोगी नंबर 5 आएगा। सो लेट्स गो। तो मैं अभी आ चुका हूँ कराड़ रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से मुझे 11:45 पर ट्रेन है और उस ट्रेन का नाम है गोवा एक्सप्रेस, जो कि हुबली से आती है जो कि गोवा में है और हजरत निज़ामुद्दीन को जाती है। तो उस ट्रेन से मैं जाऊँगा और आगरा कैंट पहुँचूँगा। ये ट्रेन डायरेक्टली आगरा जाती है और आगरा कैंट को मैं सुबह सोमवार को 3 बजे पहुँचूँगा। तो अभी तो 9:30 बज रहे हैं और 2 घंटे अभी बचे हुए हैं 11:45 होने में। तो 2 घंटे मैं अभी वेट करूंगा ट्रेन का। इस ट्रेन, ये जो रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन की ये खासियत है कि ये जो रेलवे स्टेशन है, ये मिरज पुणे लाइन पर रेलवे स्टेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जो कि कराड़ रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर हर एक ट्रेन रुकती है सिवाय एक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के। ये जो गोवा एक्सप्रेस है वो हुबली से लेके हज़रत निज़ामुद्दीन को जाती है। तो ये हुबली के बाद जो इसका नेक्स्ट स्टॉप जो होता है वो होता है कैस्टल रॉक। कैस्टल रॉक के बाद ये मिरज आती है, मिरज से फिर सांगली और सांगली के बाद फिर ये आती है यहाँ पर कराड़। कराड़ के बाद ये रुकेगी सातारा, सातारा के बाद जाएगी पूना। पूना से इसका रूट चेंज होता है, फिर उसके बाद ये जाती है दौंड को और दौंड से फिर उसका रूट चेंज होता है, वो जाती है अहमदनगर, उसके बाद मनमाड़, भुसावल जंक्शन, फिर इटारसी, भोपाल, झांसी, ग्वालियर, आगरा। आगरा में ये सुबह 3 बजे पहुँचेगी मंडे को और उसके बाद ये आगे जाएगी दिल्ली, जो इसका लास्ट स्टॉपेज होगा। तो दिल्ली ये सुबह पहुँचेगी 6 बजे सोमवार को। तो दोस्तों, मैं अभी आपको इसका मैप शेयर करता हूँ। टेक अ लुक एट द मैप। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है कराड़ रेलवे स्टेशन से लेके आगरा कैंट रेलवे स्टेशन तक का रेलवे रूट मैप।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है एक रेलवे के डिब्बों की स्थिति बताने वाला एक बोर्ड, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा S5 बोगी नंबर किस पोजीशन पे आएगा। फ्रेंड्स मैंने बहुत देर तक रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार किया और मैंने सोचा क्यों ना इस रेलवे स्टेशन की एक वीडियो बना दी जाए, लेकिन तभी थोड़ी देर में तिरुनेलवेली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गई। तिरुनेलवेली एक्सप्रेस तिरुनेलवेली जो कि तमिलनाडु में आता है, वहाँ से लेकर दादर रेलवे स्टेशन तक ये ट्रेन दौड़ती है। इस ट्रेन का स्टॉपेज कराड रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट का है और ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 2 बार चलती है और उसके तुरंत बाद ही आई महालक्ष्मी एक्सप्रेस जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कोल्हापुर से लेकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के बीच दौड़ती है और इस ट्रेन का भी स्टॉपेज कराड रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट का है और ये ट्रेन हफ्ते के हर एक दिन चलती है। तो फ्रेंड्स मेरी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ उस पोजीशन पर जहाँ पर बोगी नंबर 5 आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं इंजन की लाइट दिख रही है, यानी कि मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। सो फ्रेंड्स फाइनली गोवा एक्सप्रेस हैज बीन अराइव्ड। तो फ्रेंड्स अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी मेरी सीट। मेरा सीट नंबर है 62। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। हाय फ्रेंड्स इट्स डन, मुझे मेरी सीट मिल चुकी है और मैं इस वक्त अपर बर्थ पर बैठा हूँ। तो फ्रेंड्स सुबह करीब 9 बजे मैं पहुँचा बेलापुर जंक्शन पर और इस स्टेशन पर मेरी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज था। मुझे फ्रेंड्स बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी है और मैंने नाश्ते में ऑर्डर किया है वेज कटलेट। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स को खोल के कि कैसा दिखता है वेज कटलेट। वाओ इट्स लुकिंग सो डिलीशियस। तो इस वेज कटलेट के साथ हमें मिला है एक सॉस का पाउच और साथ में मिले हैं हमें 2 ब्रेड जिस पे लगा हुआ है मक्खन। इस वेज कटलेट की कुल प्राइस थी सिर्फ 30 रुपीज़ एंड इट्स डिलीशियस। और फिर मैंने एक चाय ऑर्डर की जो कि थी सिर्फ 10 रुपये की। फिर मैं पहुंचा कोपरगांव रेलवे स्टेशन पर जहां पर मेरी ट्रेन का स्टॉपेज था सिर्फ 2 मिनट। तो फ्रेंड्स फिर मैं पहुंचा ट्रेन की पेंट्री कार में। तो आप सामने देख ही सकते हैं फ्रेंड्स यहां पर पेंट्री के वर्कर्स वेज बिरयानी की पैकिंग कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पेंट्री कार के अंदर से भी एक वीडियो की जाए। तो यहां पर कुछ लोग चपातियां सेक रहे थे तो कुछ लोग चाय बना रहे थे। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर एक केबिन दे रखा है जहाँ पर पेंट्री कार के वर्कर्स रेस्ट करते हैं और पेंट्री कार के एंडिंग में हमें दिखी वाटर बॉटल्स। तो वेज बिरयानी को देखने के बाद मेरे मुंह में पानी आ गया और मैंने सोचा क्यों ना लंच में वेज बिरयानी ही ऑर्डर की जाए। तो मैंने वेज बिरयानी ऑर्डर की। तो आइए देखते हैं कैसी दिखती है वेज बिरयानी। वाओ इट्स लुकिंग सो डिलीशियस एंड यमी। सच में ये वेज बिरयानी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही डिलीशियस थी। हालांकि ये थोड़ी महंगी थी जिसकी प्राइस थी 110 रुपीज़, लेकिन सच में ये लाजवाब थी। तो शाम का समय हो चुका था और मैंने स्नैक्स में ऑर्डर किए समोसे जिसकी प्राइस थी 20 रुपीज़।
फिर मैं पहुंचा सेकंड लास्ट स्टॉप पर जो कि था ग्वालियर जंक्शन, और उसके तुरंत एक घंटे बाद ही आया मेरा आखिरी स्टॉप जो कि था आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। अब चलिए फ्रेंड्स यहां से चलते हैं। इस स्टेशन के बाहर हमें ढूंढना पड़ेगा एक रिक्शा जो कि हमें छोड़ेगा अपने घर तक। फ्रेंड्स ये देखिए सामने, ये है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का बोर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब मुझे रिक्शा ढूंढनी पड़ेगी। हालांकि दोस्तों मेरे मामा ने मेरे लिए ऑलरेडी एक रिक्शा बुक कर ली है, और मैं अब वहाँ पर जाऊँगा और रिक्शा ढूंढ के उस रिक्शा में बैठूँगा और वहाँ से मैं जाऊँगा अपने घर। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट द रिक्शा फर्स्ट एंड देन गो टूवर्ड्स द होम। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स ये देखिए सामने हमारा रिक्शा खड़ा है, तो चलिए चलते हैं रिक्शा के पास। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं अब अपने घर के पास पहुंच चुका हूं। सो फाइनली फ्रेंड्स आई एम इन माई हाउस नाउ। तो फ्रेंड्स हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों ये तो इस वीडियो सीरीज़ का इंट्रोडक्शन पार्ट था, यानी कि फर्स्ट पार्ट था। अगर आप इस आगरा दिल्ली ट्रिप वीडियो सीरीज़ का पूरा मज़ा उठाना चाहते हैं और सिर्फ घर बैठे बैठे ही आगरा दिल्ली का दर्शन करना चाहते हैं, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी सेकंड पार्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
धन्यवाद।